गुवाहाटी से जो बोंगाईगांव लोकेशन है वो है आपका 4 घंटा करीब लगता है, 4-5 घंटा ही लगता है। हाँ, तो यहाँ पे आने का जो रीज़न सडनली बन गया वो कैसे बना मैं को बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक डायरीज। कैसे हो दोस्तों? अरे इधर 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 इधर, ये मेरे दो हमारे मेरे नानी के घर पे रहते हैं। ये है टाइगर, जो मेरे जो मामा थे ना, मेरे जो मेरे मॉम के जो बड़े भाई, मतलब जो बड़ा भाई था, तो उनका था एक्चुअली। तो चलो, इसका जो ब्रीड है ये बहुत अलग है, मतलब क्रॉस है ये, पता नहीं किसके साथ क्रॉस है पता नहीं, बट ये देसी और दूसरे ब्रीड के साथ, दूसरे ब्रीड के साथ क्रॉस है ये। और वो एक वो तो वो लोकल है, देसी खेलते रहते ऐसे ही। तो उनका था, मेरे मामा का था, मेरे मामा का देहांत हो गया कुछ साल पहले, तो वो चल बसे और उसके बाद वो अकेला रहने लगा। फिर मेरी जो मामी है, जो मेरे मामा के वाइफ है, तो उन्होंने उनको लेके मेरे नानी के घर पे रखा है। सो राइट नाउ मैं अभी हूँ बोंगाईगांव और ये है नज़ारा, देख सकते हैं आप, ये पहाड़ देख सकते हैं, और मेरा नानी का घर उस साइड ही वही सामने है, मतलब मेरी नानी के घर से पहाड़ साइड से दिखाई देता है, ऐसा नज़ारा कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आने का जो रीज़न सडनली बन गया वो कैसे बना मैं को बताता हूँ। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हॉस्पिटल एडमिट जब थी तो उसके बाद GMC में रखा था, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर रखा था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे धीरे रिकवरी होने लगा, कि उनका थोड़ा सा हेल्थ जो इशू था, लीवर फंक्शन तो थोड़ा डैमेज हो गया उनका, तो इसलिए हॉस्पिटल पर रखा गया था, हेपेटाइटिस बी हुआ था उनका। तो उसके बाद फिर हमने हॉस्पिटल रखा, उसके बाद फिर 2-3 हॉस्पिटल चेंज करवाया, फिर लास्ट में जाके सही हुआ, बट इतना रिकवरी नहीं हुआ, मतलब इतना सही नहीं, इतना ठीक नहीं हुआ। और आपको पता है कि हॉस्पिटल में यार इतना दिन रख रख के जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो काफ़ी लो हो जाता है, मतलब कि काफ़ी पैसा जाता है, आपको पता है इस बारे में, जो प्रैक्टिकल बात है वो कह रहा हूँ। तो हर किसी का ऐसे इतना होता नहीं है, हमारे भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था और या है, क्योंकि अब सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। और मेरे नानी भी, अब नानी और नाना लोग एकदम सिंपल लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें अल्टीमेटली हमें गांव लाना पड़ा। तो कल हम लोग रात को फिर, मतलब ठीक हुआ, नानी ठीक हुई, उसके बाद अभी डॉक्टर ने यही बोला कि देखिए अब इतना दिन और वेट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जितना दिन तक रहेगी नानी एटलीस्ट घर पे शांति रहेगी, मेरे नाना तो रहेगा साथ में, तो नाना को एटलीस्ट उनका देख, इनको देख देख के तो एटलीस्ट वो जी सकती है ना। अब ऐसा होता है कि हॉस्पिटल और घर बहुत ही डिफरेंट एक इन्वायरमेंट होता है, जब हॉस्पिटल में रहती है तो अच्छे पेशेंट, जो अच्छे हम अच्छे लोग भी होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ थोड़ा हेल्थ ख़राब हो जाता है वैसा, बट हॉस्पिटल में और जब घर आते हैं, तो घर आने के बाद हम जब अपने फैमिली को देखते हैं, अपने जो सराउंडिंग जो फैमिली को देखते हैं या नेबर्स को देखते हैं, तो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। कोई नेबर्स हमें खबर लेने आता है, हालचाल पूछने आता है, तो कितना अच्छा लगने लगता है, तो वैसा ही चीज़ है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, नानी को घर लेके आते हैं, एटलीस्ट सही हो जाएगी। तो सर यस, हम लोग कल रात को कल हमने डिस्चार्ज कराया, उस टाइम लगा डिस्चार्ज कराने में, उसके बाद फिर हमने एम्बुलेंस हमने बुक किया, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से 6:30 या 6 बजे हम लोग वहाँ से निकल पड़े और यहाँ पे हम लोग पहुँचे करीब 10 बजे पहुँचे। थोड़ा सा इधर उधर करते करते फॉर्मेलिटीज, वो बहुत कुछ होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो करते करते 7 बज गया था। उसके बाद 7 बजे से हम लोग वहाँ पे आते आते हमारे यहाँ पे पहुँचते 10 बजे, जो कि गुवाहाटी से जो बोंगाईगांव लोकेशन है वो है आपका 4 घंटा करीब लगता है, 4-5 घंटा ही लगता है। हाँ, तो वैसा है, मेरा ये हाथ बहुत पेन हो रहा है, इस साइड में पकड़ लेता हूँ। तो हम लोग पहुँचे रात को करीब 10 बजे पहुँच के नानी को किस तरीके से हमने कैरी करके उनको घर तक लेके आए, क्योंकि थोड़ा सा अंदर गली गली है,
रास्ता उस साइड में है हाईवे से, फिर गली गली उनको पकड़ के जो जो आपका एक बेंच टाइप का जो स्टील का होता है तो उसमें हम लोग पकड़ के वो लेके आना पड़ा हमें, लेके आए। जैसे जैसे करके शुक्र है, गॉड का शुक्र है कि हम लोग पहुँच गए अच्छे से पहुँच गए। हाँ सो मेरे भी हॉस्पिटल में पूरा आना जाना दौड़ भाग बहुत काफ़ी कैसा गुजरा वो मुझे पता है। और मेरे मॉम मेरे मौसी उन लोग भी हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक रहा, उनका भी तबीयत ख़राब हो गया था। चलो ये एक डिफरेंट पार्ट हो गया, हॉस्पिटल का पता ही है हर किसी का, हर इंसान का ऐसा ही होता है कि हॉस्पिटल में जो हादसा जो होता है या उनके साथ जो गुजरना पड़ता है हॉस्पिटल में वो बहुत ही एक तकलीफ होता है। और ये दोनों देखो यार टाइगर ये रहा, खेलो 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 देखो नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना, वाओ ब्यूटीफुल। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, तो ऐसे ही चांस मिला नानी के साथ आके फिर ये जगह देखना पड़ा बहुत दिनों बाद मतलब साल ही बोलूँगा शायद, दो साल के बाद शायद मैं यहाँ पे आया हूँ, डेढ़ साल। और कल है 31st, कल 31st है और फिर न्यू ईयर आने वाला है परसों से न्यू ईयर फिर। और पता नहीं अभी ये जो 2022 कैसे गया कैसे बीता, बहुत बैड भी कहूँगा गुड भी कहूँगा दोनों बोथ रहा, अच्छे से गुजरा ख़राब से भी गुजरा, वैसे ही दिन गया, यही है जिंदगी यार, पार्ट ऑफ लाइफ यार। सो अब हम कोशिश करेंगे कि हम न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करें और अच्छे से वेलकम करें, और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि यार हमें नया साल जो है वो अच्छे से हमें ले जाए, हम यही दुआ करते हैं। आपका भी आपको भी आप लोग भी अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, अच्छे दिन को लेके आइए और नए साल अच्छे से आप ज़िंदगी को लेके जाइए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। सो अगर कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा है बहुत टेंशन आ रहे हैं या फिर आप बहुत ही डीमोटिवेट कुछ माइंड थोड़ा सा ब्लॉक है तो आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। और मैंने भी वही चीज़ मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा कभी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ, पॉजिटिव कुछ रहता नहीं है कभी कभी, तो मैं सोचता कि यार ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अच्छे दिन बुरे दिन आते ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे बुरे दिन भी आ रहे हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे दोस्तों, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे अच्छे दिन लाएँ, कोशिश करिए। अच्छे दिन है सबके पास बट हम लोग उस सिचुएशन में रहना पड़ता है, वैसा हो जाता है, सिचुएशन ही वैसा है, तो हमें उस सिचुएशन में कैसे हमें गुजर के जाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वैसा है। सो क्या कहे, बहुत लंबी बात है, अगर हम लाइफ के बारे में बताएं तो बहुत लंबी होगी, सो ना करना ही बेस्ट है। सो सबका अपना अपना लाइफ है और कौन कैसे जी रहे कौन अपना किस सिचुएशन में गुजर रहे वो उनको ही पता होता है या हमें पता होता है, तो बस मैं बता रहा हूँ कि आप कोशिश कर सकते हैं एक बार अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। अगर आप आज डिप्रेशन में हो तो अपना ज़िंदगी आप अभी भी आपके पास टाइम है, अब उस वक्त इस वक्त को आप चेंज कर सकते हैं, बुरे दिन से अच्छे दिन तक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोशिश करिए दोस्तों एक बार। सो या यही है आज का वीडियो, और अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को भी देखो, ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग प्लस मोटो ब्लॉगिंग बाइक रिव्यूज़ वगैरह का मैं वीडियोस यहाँ पे देता हूँ, ओनली सिर्फ बाइक रिव्यूज़ ही नहीं देता हूँ मैं अपना लाइफ के बारे में बताता हूँ लाइफ में, इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम दिया है विवेक डायरीज। सो मेरे विवेक डायरीज में आपका एवरीथिंग रहेगा, जो मुझे शौक है जो मेरा मन है मैं जो करता हूँ मैं वही चीज़ मैं डालता हूँ, तो यही चीज़ है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल पे आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, तो जिन लोग वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट आप लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और बस ये हमेशा प्यार आप में रहेगा और आप भी हमें प्यार दीजिए आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आप भी आगे बढ़ सके, भगवान से यही दुआ है।
तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, रखते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।